What is the correct time to take the first step towards your fitness life? क्या आपको भी जानना है तो पूरी वीडियो देखें। हेलो गाइस, गौरव यादव और आप देख रहे हैं बीस टीन लाइफस्टाइल। एक सवाल काफी उठता है हमारे टीनेजर्स के अंदर, इंडिया के अंदर खास करके, कि हम जिम कब जाएं या फिर अपनी फिटनेस लाइफ कब शुरू करें। और इस चीज़ को लेकर के एक मिथ बना हुआ है जहाँ पे अलाउंस नहीं मिलती है। मेरे साथ भी हुआ था ये, जब मैंने अपने लिए परमिशन मांगी थी तो फिर नहीं मिली थी, कि जिम अगर आप जाएंगे तो हाइट रुक जाएगी और आपकी हाइट जो है छोटी हो जाएगी या फिर आपको इंजरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो देखा जाए तो एक मिथ है, क्योंकि मैंने भी एक ऐसी एज में स्टार्ट किया था जब हमारी बॉडी ग्रोइंग स्टेज पे ही होती है, 13-14 साल की उम्र में जिमिंग। और मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि हाइट का क्या वजह होता है रुकने का या फिर बढ़ने का। हाइट, सबसे पहला फैक्टर होता है हाइट का जेनेटिक्स। मेनली जेनेटिक्स अगर आपके अच्छे हैं तो हाइट आपकी अच्छी बढ़ेगी बढ़ेगी, चाहे आप जिम करें चाहे जो करें, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। और अगर आपको हाइट में थोड़ी सी अच्छी एक स्ट्रेचिंग करनी है, अगर आप चाहें कि कोई एक्सरसाइज हो, तो मेरे हिसाब से स्प्रिंटिंग और पुलअप्स पे, पुलअप के जो बार होते हैं उस पर आप लटकें, तो वो थोड़ा सा आपको जो है हाइट खींचने में मदद देगा। लेकिन हालांकि उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। सो ये तो एक हाइट का अलग टॉपिक हो गया। और जिम जाने की जो करेक्ट एज है, मैं उस पर आता हूँ। तो साइंटिफिकली इस चीज़ को अगर देखा जाए तो एक रिसर्च भी हुई है, एक क्या बहुत रिसर्च हुई है और वीडियोस भी काफ़ी बनी है इस चीज़ के ऊपर, कि जिम जाने की करेक्ट एज क्या है या फिर कब अपनी फिटनेस लाइफ को शुरू करें। तो bodybuilding.com की मैं साइट पे पढ़ रहा था, उनका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि करेक्ट एज क्या है जिम जाने की। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, तो उसमें था कि 14 साल से जो नीचे के एमेचोर्स हैं या फिर बच्चे हैं, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, फोकस लेवल है, स्टेबिलिटी लेवल है, उतना नहीं होता। या फिर उनके जो डाइवर्जन्स होते हैं काफ़ी होते हैं, उनको डाइवर्ट बहुत आसानी से किया जा सकता है, वो भटक जाते हैं। क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है जब हम हाइपर एक्टिव होते हैं, जब हमारे अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ होती है और हम बहुत सारी एक ईगो में आगे बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं। जैसे कि अगर आप जिम जाएं उस एज में, जैसे कि 11-12 साल की उम्र कह लीजिए, तो वो अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे कि लोग हैवी उठा रहे हैं, तो वो उस चीज़ को देख करके प्रोवोक होंगे और पीयर प्रेशर में आकर के उस वेट को उठाने लगेंगे जो वो नहीं उठा सकते। वो चीज़ एक एक्सीडेंट में तब्दील हो सकती है और वो एक सीरियस इंजरी करेगी लाइफ लॉन्ग, जिसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो bodybuilding.com ने हालांकि कोई बैरियर नहीं डाला है, या किसी ने भी कोई बैरियर नहीं डाला है कि आप जिम कब शुरू करें, कोई भी टाइम सही है। बट 14 साल की जो उम्र है वो एक आइडियल एज मानी जाती है, क्योंकि एक हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाते हैं, खासकर टीन एज होती है वो। और दूसरा, काफ़ी चेंजेस होते हैं, आप थोड़ी क्लासेस, मतलब अगर आप स्कूल में हैं तो क्लासेस आपकी ऊपर जाती हैं, सराउंडिंग आपकी एक ऐसी बन जाती है जहाँ पर आपको अच्छा दिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 14 साल, उन्होंने ऐसा बोला है कि 14 साल के बाद आप स्टार्ट करें, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ कि जिमिंग को लोगों ने इतना हाइप क्यों किया हुआ है कि उसमें ऐसा आप जाओगे हाइट रुक जाएगी। तो बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, जिम और एक्सरसाइज में कोई फ़र्क नहीं है। स्टार्टिंग में जब आप जाओगे, आपको भी वही एक्सरसाइज कराएंगे वो जो आप घर पे कर सकते हो। ऐसा कोई जादू मंदिर नहीं होता कि आपकी हाइट बढ़ मतलब हाइट बढ़ जाएगी या मसल्स आपकी बड़ी हो जाएंगी। तो जिम में भी वही बेसिक एक्सरसाइज है आपकी, ओल्ड स्कूल। पहले आप जाओगे, आपको हाँ थोड़ा बहुत वेट्स आपको उठवाएंगे कि आपका एक मसल मेमोरी बने, कि ताकि आप उस चीज़ को हैबिट में आए। तो हालांकि जिम में ऐसा कोई जादूगरी नहीं होती कि आपकी मसल्स बढ़ जाएंगे। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि आपकी हाइट रुक जाएगी, तो वो गलत है। हालांकि मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैंने शुरुआत करी थी एक्सरसाइजिंग, नॉट जिम। मैंने एक्सरसाइजिंग शुरू करी थी 5th क्लास में, जब मैं 10-11 साल का था, कराटे करता था। उसमें एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती थी, स्ट्रेंथ, बॉडी बॉडी बेस्ड एक्सरसाइज होती थी, फुल एंड्योरेंस, बहुत लंबी लंबी एक्सरसाइज चलती थी, एक एक घंटा, 2-2 घंटा। और तब हमारे पास कोई प्री वर्कआउट, कोई सप्लीमेंट भी नहीं होता था, लेकिन स्ट्रेंथ एक नंबर की होती थी। हमारी बॉडी का जो नेचुरल एड्रेनलिन था वो उस चीज़ का लेवल अलग था, उसमें हमें कोई प्री वर्कआउट की सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो एक वो स्पोर्ट था, उसका स्पोर्ट्स की बात अलग होती है। फिर मैंने घर पे वर्कआउट करना चालू किया, जब कुछ नॉलेज नहीं थी, ऐसे ही घर पे ही वर्कआउट करता था, उसके बाद कुछ भी खा लेता था। उसके बाद फिर मैंने जो है पार्क में रनिंग करना स्टार्ट किया, उस चीज़ ने मेरे को एक, मेरे को ऐसा लगता है हाइट में मेरे को थोड़ा फर्क पड़ा उस चीज़ से। हालांकि जेनेटिक्स भी अच्छे हैं, क्योंकि मेरे जो मम्मी के साइड के हैं वो सब हाइट में उनकी अच्छी है। और रनिंग के बाद मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी, साइकिलिंग से मेरे को अच्छा कार्डियो एक्सरसाइज हो जाती थी, मेरे को फैट थोड़ा सा कम करने में, अपनी पेट को टोन करने में अच्छा हेल्प मिला। उसके बाद मैंने जिम स्टार्ट किया करीब 8th क्लास में,
एट क्लास में मैं था करीब 13-14 साल का, तो उस एज में मैंने स्टार्ट किया। और हाँ, मैं दो चीज़ें अवॉइड करता था, शोल्डर और लेग्स, क्योंकि उनकी जो एक्सरसाइज होती थी वो मेरे को किसी ने बोला भी था कि ओवरहेड एक्सरसाइज आप मत मारना, क्योंकि वो आपकी स्पाइन को कंप्रेस करेंगी, तो वो एक अच्छा इफेक्ट नहीं देगी, क्योंकि ग्रो कर रही है आपकी बॉडी, खामा का आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओ तो वो सही नहीं है। तो मैंने शोल्डर और लेग्स अवॉइड किया स्टार्टिंग के 1 साल। उसके बाद एट करीब 9-10th आई, तब मैंने अच्छे से वेट और शोल्डर्स और लेग्स करना स्टार्ट करी। उसके बाद अच्छा वेट मारना स्टार्ट किया, करीब 11th से स्टार्ट किया, बहुत टाइम लिया, आराम से अपना एक अपनी एक स्टेज बनाता गया, हर दिन एक लेवल ऊपर करता गया। मैंने कभी ये नहीं सोचा मेरे को ईगो लिफ्टिंग करनी है। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत हो जाती है जिम में, क्योंकि इफेक्ट पड़ता है सब चीज़ों का, कि ये ज़्यादा वेट मार रहा तो मैं भी मारूंगा। तो जिम स्टार्ट किया, उसके बाद मैं अभी भी कर ही रहा हूँ, अभी तो खैर बंद पड़े हैं, वो तो जल्दी खुलने वाले हैं। और इस चीज़ को अगर आप देखा जाए तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि गोल स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। मैं जब जिम जाता था, मेरे को एक चीज़ का बेनिफिट मिला, ये कि मैं थकता नहीं था, मतलब मेरे बॉडी में मसल सोरनेस नहीं हो रही थी, और मतलब थोड़ी बहुत होती थी लेकिन मैं उस चीज़ को पास कर जाता था। तो इस चीज़ से एक बेनिफिट मिला मेरे को एक्सरसाइज करने से, 5th क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से मेरा एक बेस रेडी था, मेरी बॉडी उस एक्सरसाइज को झेलने के लिए रेडी थी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट स्टेप लें आप पहले। अभी का टाइम ऐसा है कि आप सब घर पे ही हैं इस समय, तो आप घर से शुरुआत करें, पीटी एक्सरसाइज करें, नॉर्मल पुशअप्स, स्क्वाट्स, एनीथिंग विच कैन बी डन इन आर रूम, और जो आपको फीजेबल लगे अपनी बॉडी की कैपेबिलिटीज के हिसाब से। उसके बाद एक बेस बनाए अच्छा, उस एक्सरसाइज को लगातार करें, उससे जो है आपकी एक हैबिट बनेगी धीरे धीरे। थोड़ा दर्द होगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपको जो है उस चीज़ पे ही डटे रहना है कि हमें करना है ये। उसके बाद एक हैबिट बन जाएगी तो आपको खुद मज़ा आने लगेगा उस प्रोसेस में। फिर आपने हैबिट बना ली, उसके बाद जो है अगर लॉकडाउन खुलता है तो जिम स्टार्ट करें, तो आपको उतनी मुश्किल नहीं होगी वेट लूज करने में या वेट गेन करने में। डाइटिंग पे अपनी फोकस करें, मेन बात एक डाइट, तीन चीज़ें हैं, इन चीज़ों की एक साइकिल होती है, उस चीज़ को अगर आप फॉलो करें। खैर ये सेपरेट टॉपिक है, फिलहाल मैं जिम की बात कर रहा हूँ, तो अगर देखा जाए तो कोई करेक्ट एज नहीं है। अगर आप एमेच्योर्स हैं तो आप स्टार्ट करें, कोई भी इशू नहीं है। अगर आप थोड़े बिलो दी एज हैं, जैसे कि व्हाट से अबाउट 4th 5th क्लास के हैं, तो आप बेसिक कोई एक स्पोर्ट पकड़िए, उसकी स्पोर्ट्स की एक्सरसाइज करिए, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो अनदर लेवल पे जाएगी। और अगर आपको जिम, अगर आपको चाहिए कि हाँ मैं थोड़ा अच्छा दिखूँ, थोड़ा वेट गेन हो, तो आप जिम स्टार्ट करें, कोई इशू नहीं है। और लेकिन खामखा जिम, मतलब पहला स्टेप ही जिम ना लें, थोड़ा बहुत घर पे बेस बनाएं, उसके बाद जिम स्टार्ट करें। जिम क्योंकि मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ एक प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने डायरेक्ट जिम स्टार्ट किया था, तो डायरेक्ट जिम स्टार्ट करने से उन्हें ये दिक्कत आई कि अगले दिन उनके बॉडी में बहुत तगड़ा पेन होता था, मसल सोरनेस होती थी, और वो छोड़ देते थे, बोलते थे यार जिम मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि जिम में बहुत तगड़ा एक्सरसाइज कराते हैं वो और दर्द हो जाता है। मैंने कहा यार आपकी बॉडी रेडी ही नहीं थी, आप न्यूट्रल से उठ के सीधा जिम पर आ रहे हो तो वो चीज़ नहीं है। पहले आप थोड़ा बेस बनाओ कि आपको थोड़ा हैबिचुअल होए कि एक्सरसाइज आप क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप जंपिंग जैक्स लगा रहे हो उससे क्या बेनिफिट है, आप जंपिंग कर रहे हो तो उसमें आपके हार्ट बीट के साथ क्या हो रहा है, आप पुशअप्स लगा रहे हो तो आपकी कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। गोल स्पेसिफिक होइए, अगर आपका गोल है कि मेरे को वेट कुछ कम करना है तो नॉट जिमिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ लीजिए 50 बार, वो एक अच्छा एक्सरसाइज है। आप पुशअप्स लगाएं घर पे, और आप कुछ भी कर सकते हैं, यू नीड टू फिगर आउट द वे। और अगर आपको जो है थोड़ा बहुत मसल गेन करना है तो आप डाइट अच्छी करें, अपनी एक्सरसाइज अच्छी बढ़ाएं, और अगर आपको जो है एक अच्छा, अगर आपको एक फिटनेस मॉडल बनना है या बॉडी बिल्डिंग का शौक है, तो आप जो है स्टेज के लिए आप प्रिपेयर करें, वो जिम से ही होगा, क्योंकि वो कंडीशनिंग और वो मसल्स गेन वो घर पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट होता है जिम में, साइकोलॉजिकली भी मेंटली भी, कि जिम में सब कुछ, मतलब जिम का एक एनवायरनमेंट अलग होता है, वहाँ पे एक्सरसाइज का लेवल अलग होता है, ये मैंने रियलाइज़ किया है अपने ओपिनियन में। ये हालांकि कोई मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि जिम में ही सिर्फ बॉडी बनेगी, हालांकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं घर पे नहीं कर सकता उतना। हाँ, एक फिटनेस को मेंटेन करने की बात है तो वो घर पे किया जा सकता है, लेकिन जिम में अलग ही लेवल होता है सर। जिम में अगर आपको कॉम्पिटिशन करना है उस चीज़ की बात अलग हो जाती है। जिम में अगर आपको जो है एक मेंटली आपको प्रिपेयर्डनेस मिलेगी कि हाँ यहाँ पे लग रहा है कि लोग हैं तगड़े, इनको देख के मैं एक्सरसाइज करूँगा, इनसे मैं सीखूँगा, वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सो देखा जाए तो यही चीज़ें हैं, हाइट पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ओके गाइस, दैट्स इट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और टॉपिक्स पे आपको कवर चाहिए तो फिर कमेंट डाउन बिलो, और कीप वॉचिंग, प्लीज।
ये हंस रहा था मेरी नजर पड़ गई इस पे। मैं हंसा एक बार भी नहीं हंसा बंद कर।